पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में बारिश के बीच जल्द ही अब ठंड का आगाज होने वाला है। आईएमडी ने भी ठंड की दस्तक की बात कह दी है। हालांकि सुबह शाम लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। कई राज्यों में बारिश भी हो रही है, खासकर भारत के दक्षिणी राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सुबह शाम ठंड का एहसास हो रहा है। रात का तापमान जहां सामान्य से नीचे आ गया है, तो वहीं दिन का तापमान सामान्य स्तर के आसपास ही चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 नवंबर से ठंड और बढ़ सकती है, लेकिन लोगों को इंतजार है हार कपकपा देने वाली ठंड का। ऐसे में सवाल है कि वो दिल्ली वाली सर्दी कब तक आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में सुबह आसमान कुछ धुंध के साथ ज्यादातर साफ रहेगा, तो वहीं अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रविवार को मौसम के मिजाज में थोड़ी गर्माहट देखने को मिली थी। मौसम विभाग का अनुमान है कि हाल फिलहाल ऐसा ही मौसम बना रहेगा, इसमें अधिक बदलाव नहीं होगा, तापमान भी उच्च बना रहेगा। इसकी मुख्य वजह मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का अभाव है। आमतौर पर इस महीने में 3 से 4 पश्चिमी विक्षोभ आ जाते हैं, लेकिन इस बार 2 ही पश्चिमी विक्षोभ आए हैं, वो भी कमजोर। इसीलिए अक्टूबर के महीने में बरसात भी ना के बराबर हुई है, तो वहीं पहाड़ों पर भी अब तक कुछ खास बर्फबारी नहीं हुई है। वहीं पहाड़ी इलाकों की बात करें तो मौसम विभाग भी 31 अक्टूबर से हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी की उम्मीद कर रहा है। इस दौरान राज्य में मौसम सुहावना रहेगा। शिमला में उच्चतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 30 अक्टूबर तक तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही अगले 5 दिनों तक केरल, तमिलनाडु, माहे, पुडुचेरी और कराईकल में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की गई है। वहीं कोलकाता की बात करें तो आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस बीच सिक्किम और उप हिमाली पश्चिम बंगाल जिले में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज तमिलनाडु, केरल और तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।